हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ लीव की। और दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बता रखा है और दोस्तों यहाँ पे मेरे पास कुछ लीव्स है जिसके अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ। सो लेट्स बी स्टार्ट एंड देन टेल यू समथिंग एक्साइटिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरे पास एक लीव्स है दोस्तों, और फिर मेरे पास एक डायग्राम भी है और नीचे आपको फोटोज भी दिखते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लीव के बारे में बात करने वाले, जो कि है दोस्तों टिप। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हो लीव के सबसे ऊपर के, मतलब जहाँ पे ये जो लीव्स है ये एंड हो रहे, इनको हम कहते हैं दोस्तों टिप, जो कि सबसे ऊपर का पोर्शन होता है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं दोस्तों टिप। फिर दोस्तों, ये जो लाइन है दोस्तों आप देख पा रहे हो, जो ये पूरी लीव को डिवाइड कर रही है दोस्तों बीच में से, ये देखिए दोनों बीच के जो मिड रिप है दोस्तों, ये इसको हम कहते हैं दोस्तों मिड रिप। और फिर दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हो लीव्स की, ये जो हरा हरा ये सारा जो आप देख पा रहे हो, ये ग्रीन ग्रीन, इनको हम दोस्तों कहते हैं लैमिना। और फिर दोस्तों, ये जो आप आउटलाइंस देख पा रहे हो, इनको हम कहते हैं दोस्तों मार्जिन इस लीव की। और दोनों बीच में आपको बताता हूँ, ये देखो इनके अंदर दोस्तों, ये जो आप साइड साइड का देख पा रहे हो दोस्तों आउटलाइन, इनको कहते हैं दोस्तों हम मार्जिन। इन दोस्तों, ये है दोस्तों वीन। आप ये जो लाइन देख पा रहे हो ऐसे जा रहे हैं इस मिड रिप के साथ जुड़ के दोस्तों, ये जो अटैच है और ऊपर नीचे ऐसे इनके कुछ डिज़ाइन से आप दोनों भी लीफ में देख ही पा रहे होगे। इनके जो दोस्तों, इनको हम कहते हैं वाइन विन। और दोस्तों, इनको हम विन कह सकते हैं या फिर हम साइड विन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो मिड रिप के साइड में है दोस्तों, आप देख पा रहे हो इसको मिड रिप से अटैच है, और साइड विन भी कह सकते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों, ये पेटियोल, आप जो इस लीफ का ये जो लाइन देख पा रहे हो आप, इसको यहाँ पे एंड जो हो रही है लीफ, इसको हम कहते हैं दोस्तों पेटियोल। फिर दोस्तों, यहाँ पे जो है अपनी लीव्स का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एंड होता है। और दोस्तों, अभी हम बढ़ते सामने की तरफ और जानते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। दोस्तों, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर दोस्तों जो अपना प्लांट है वो फूड बनाता है दोस्तों, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस को हम कट करके नाम दें तो फोटो माने, मतलब जो भी लाइट है वो फोटो, और सिंथेसिस मतलब मिक्सअप करना, मतलब ये सारी जो प्रोसेस है उसको मिक्स करके फूड बनाना, उसको इसी को हम कहते हैं दोस्तों फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में दोस्तों, मतलब जो लीव्स हैं ये फूड बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं दोस्तों पूरे प्लांट की। और अगर लीव्स नहीं रहेंगे तो फूड नहीं बनेगा, फूड नहीं रहेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, ये जो मतलब लीव्स होती है ये दोस्तों स्टोमेटा के मतलब थ्रू, मतलब ऐसे टाइनी ये रहते हैं दोस्तों इसके अंदर टाइनी पोर्स, उसी को हम कहते हैं दोस्तों स्टोमेटा। और यही हेल्प करते हैं लीव्स को ब्रीथ करने के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो सन जो है अपनी सनलाइट दे रहा है, उससे प्लांट को एनर्जी मिल रही है अपना फूड बनाने के लिए, और एनर्जी मिल रही है तो उसका दोस्तों ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट हमें देता है, और जो ऑक्सीजन है दोस्तों वो रियलाइज करता है, मतलब छोड़ देता है। और दोस्तों, ये जो है दोस्तों क्लोरोफिया, मतलब क्लोरोफिल दोस्तों, इसी को हम कहते हैं क्लोरोफिल। और दोस्तों, ये जो है ग्लूकोज इज फॉर्मेटेड दोस्तों, मतलब जो शुगर है वो फॉर्मेट होती है, इन साइंस की भाषा में ग्लूकोज इज फॉर्म्ड। और यहाँ पे जो आप नीचे देख पा रहे हो दोस्तों, इसको वाटर है, आप फोटो में नीचे अच्छे से देख पा रहे होगे पूरी इमेज को दोस्तों। और यहाँ पे इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं दोस्तों, ये जो पूरी साइकिल है इसी को हम कहते हैं दोस्तों फोटोसिंथेसिस। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको फोटोसिंथेसिस अभी समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, फिर भी मैं आपको एक डेफिनेशन दे रहा हूँ फोटोसिंथेसिस को। यहाँ पे मेरे पास फोटोसिंथेसिस की एक डेफिनेशन है, और दोस्तों इस डेफिनेशन में ऐसा लिख के, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस प्लांट्स यूज टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सनलाइट इंटू फूड। तो दोस्तों, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसके अंदर दोस्तों प्लांट जो है पूरा, मतलब अपना कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सनलाइट ये सारे को दोस्तों वो सिंथेसिस मतलब मिक्स करता है उसी प्रोसेस, और अपना फूड बनाता है, और उस मतलब जो भी फूड हम लेते हैं और खाते हैं और सर्वाइव करती है, इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं दोस्तों फोटोसिंथेसिस। अभी हमने इस फोटोसिंथेसिस का एक पार्ट देख लिया, अभी हम बढ़ते हैं सामने की तरफ और जानते हैं अगले दो पॉइंट। दोस्तों, अपना जो अगला पॉइंट है वो है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन एब्जॉर्ब इनटू द प्लांट थ्रू स्मॉल ओपनिंग ऑन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। दोस्तों, ये जो होते हैं अपना जो पूरा प्लांट होता है वो ब्रीथ करने के लिए दोस्तों यूज करता है, मतलब ऐसे स्मॉल ये रहते हैं ओपनिंग पार्ट्स लीव्स के ऊपर,
जिसको हम कहते हैं दोस्तों स्ट्रोमेटा। और दोस्तों ये बहुत हेल्प करता है मतलब प्लांट को सांस लेने में, जैसे कि ह्यूमन सांस लेते हम सांस लेते वैसे ही दोस्तों प्लांट जो है स्ट्रोमेटा की हेल्प से सांस लेते। तो दोस्तों अपना जो अगला पॉइंट है वो है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट इन द प्लांट लीव्स कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सनलाइट एंड टर्न देम इनटू शुगर एंड ऑक्सीजन। तो दोस्तों ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये दोस्तों मतलब ये सबको कंबाइन करते हैं, जैसे मतलब फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेटेड है कुछ, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सनलाइट को ये सबको कंबाइन करते हैं मतलब सारा मिक्स कर देते हैं और दोस्तों वो कन्वर्ट होके बनता है शुगर एंड ऑक्सीजन, मतलब जो अपनी सांस होती है मतलब ऑक्सीजन जो भी हम ले रहे करंट वो देती है और दोस्तों साथ ही साथ वो ग्लूकोज मतलब जो हमने पिछले देखा ना ग्लूकोज डायग्राम के अंदर वो शुगर कह सकते हैं या फिर आप ग्लूकोज कह सकते हो, आपको जो कहना है आप उसे कह सकते हैं। और दोस्तों ये इस पूरे प्रोसेस में आप इस शुगर के आप मतलब इसको फूड भी कह सकते हो, ये सारी जो भी है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट इन सबको मिक्सअप करके दोस्तों ये बनाते हैं अपना फूड, शुगर की जगह पे आप उसे फूड भी कह सकते हैं, इन सबको कंबाइन करते हैं वो फूड बनाती है दोस्तों। और दोस्तों इसकी को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपके वाली वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जाके लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को प्लीज गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और दोस्तों साथ ही साथ नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस और स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स के बारे में दोस्तों कैसी लगी, ये सारी मतलब डायग्राम के साथ भी आपको ये मतलब वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो को जाके शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ स्टे ट्यून्ड।